बेबी बाजी सीजन 2 में आप लोगों को कौन से नए नए जो है एक्टर देखने को मिलेंगे, नई कास्ट में कौन कौन शामिल है, ऐना आसिफ इस ड्रामे में होंगी या नहीं होंगी, और इस ड्रामे का नाम चेंज क्यों किया गया, और बेबी आंटी को यहाँ पर वैसे तो मार दिया गया है लेकिन उन्हें किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, आज की वीडियो हम आप लोगों को सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। टोटल वीडियो जो है वो फेस कैम भी होने वाली है और आप लोगों को पिक्चर जो है साथ साथ चलती हुई दिखाई देंगी। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लाजमी से करते जाना, चल जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस ड्रामे की नई कास्ट में कौन कौन होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जो देखने को मिलने वाली है वो रहमा अहमद है और इसके साथ साथ आसमा अब्बास है और जान रैम्बो और मदीहा इफ्तखार है जो कि नाजरीन बहुत ही ज्यादा कमाल के अच्छे का एक्टर है जिनके आपने काफी ज्यादा पास्ट में जो है वो ड्रामे देखे होंगे। तो ये भी बहुत ज्यादा जो वो कमाल की जो है वो हम लोगों को जो है वो चीजें देखने को मिलने वाली है। ये ड्रामा और ज्यादा ब्लॉकबस्टर होगा और ज्यादा मजे का होगा और ज्यादा कॉमेडी इस ड्रामे में जो क्रिएट होगी और रुलाएगा भी ये ड्रामा फिर से हम लोगों को लगता है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं कि बेबी बाजी ड्रामे का आखिर नाम जो है वो क्यों चेंज किया गया, ये आप लोगों को भी बहुत ज्यादा खटक रही होगी। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें बेबी बाजी ड्रामे का नाम बेबी बाजी क्यों था, वो इस वजह से था क्योंकि नाजरीन इसमें जो वो बेबी बाजी एक औरत थी और नाजरीन वो यहाँ पर जो है उन्होंने स्टोरी वहां से डिवेल्प करनी शुरू की और जिसके साथ साथ एंड में वो मर गई। लेकिन आप यहाँ पर जो बेबी बाजी तो नहीं रही लेकिन उनकी बहुओं के पास टोटल जो है कंट्रोल आ चुका है जिसकी वजह से यहाँ पर इस ड्रामे का नाम जो है उस सेंस में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है कि बेबी बाजी की बहुएं इस तरह का जो है ये मुझे लगता है कॉन्सेप्ट इस तरह का है। आप लोगों को लगता है आप इस चीज़ से एग्री करते हो डिसएग्री करते हो लाजमी से अपना कमेंट करके सार कमेंट सेक्शन में करते जाना। और नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं कि ऐना आसिफ इस ड्रामे में होंगी या नहीं होंगी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐना आसिफ क्यों नहीं इस ड्रामे में है, क्यों मैं आखिर ये बात कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ। आप लोग इस ड्रामे का ये पोस्टर देख सकते हैं जो नया आया है जो कि यहाँ पर उसके प्रोमो में टीजर में आया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको ऐना आसिफ जो वो कहीं पे भी नहीं दिखेगी। यहाँ पर पोस्टर तो वो पुराना है लेकिन कुछ करेक्टर जो है यहाँ पर नए जो वो जो है आ चुके हैं जिस तरह से जान रैम्बो मदीहा इफ्तखार और भी बहुत सारे जो कि हमने पहले आप लोगों को शुरू में जो है वो बता दिए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ऐना आसिफ की जगह जो है वो अहमद ने ले ली होगी या नजरें यहाँ पर इन दोनों में से यहाँ पर किसी और करेक्टर ने ले ली होंगी। तो आपके ख्याल से यहाँ पर ये जो ऐना आसिफ इस ड्रामे में नहीं रही यहाँ पर ये ठीक इन्होंने किया, इसे रखना चाहिए था नहीं रखना चाहिए था, या फिर इन लोगों ने वैसे ही पोस्टर में इन्हें नहीं जगह दी, लाजमी से बताते जाना। और आप लोग जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो है वो बेबी बाजी जो है वो मर गई है तो यहाँ पर वो किस तरह से वापस आएंगी, उन्हें जो वो किस तरह से दिखाया जाएगा ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाजरीन सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताते चलें जहाँ तक मुझे लगता है ये जो टीज़र देखा उससे जो चीज़ मुझे समझ आई है कि यहाँ पर बेबी आंटी को किस तरह से दिखाया जाएगा, तो मार तो उन्हें दिया है तो लेकिन नाजरीन यहाँ पर अज़रा जो है वो बहुत ज़्यादा सुधर चुकी होगी क्योंकि जमाल उसे वापस लेकर आ चुका होगा। लेकिन नाजरीन यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर ये जब भी कोई काम करने लगेगी तो नाजरीन यहाँ पर इसे जो वो बेबी बाजी याद आ जाया करेगी, इसके साथ सामने आ जाया करेगी, इसे डांटा करेगी, सिर्फ और सिर्फ इसे ही देखेगी जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा जो वो पछताया करेगी। एक इसके दिल में कहीं ना कहीं जो वो गिल्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो वो सारे के सारे मामला दिखाए जाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है ये चीज दिखानी चाहिए जो यहाँ पर फ्लैश बैक्स वगैरह या जिस तरह से यहाँ पर सिर्फ इसे दिख रही है और किसी को नहीं दिख रही और यहाँ पर लोग समझेंगे पागल है इस तरह के मामला देखने को मिलेंगे, तो क्या ये चीज इंटरेस्टिंग होगी नहीं होगी, और आसमा अब्बास और बाकी जान रैम्बो वगैरह क्या नजरें एक फैमिली जो है वो नई फैमिली होगी और ये मोहल्ले में भी शिफ्ट हो जाएंगे नए जो कि यहाँ पर पुराने जहाँ पर मोहल्ले में ये पहले रहते थे। तो आप लोगों का लगता है ये ड्रामा जो है वो पहले से ज्यादा ब्लॉकबस्टर होगा, इंटरेस्टिंग होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन तो बहुत ज्यादा जोरदार चल रही है। तो यहाँ पर जो जो मैंने जो है आप लोगों को सवाल निकाल के रखे थे जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताने चाहिए था, तो यहाँ पर क्या ये जो वो सवाल आप लोग भी जानना चाहते थे या नहीं, और कोई सवाल है तो मुझे बताइएगा उसके बारे में भी हम आप लोगों को बता देंगे। अगर वीडियो लाइक दोस्तों को सब्सक्राइब करते जाना। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।